वेल दोस्तों, ये है ओला की S1X प्लस, जो कि सबसे बेस्ट वेरिएंट आता है और अभी जो इसकी प्राइसिंग है उसमें बहुत बड़ी जो है कटौती की है ओला ने। जहां पे अदर कंपनियां जो है प्राइस जो है बढ़ा रही है, वहीं पे ओला ने इनकी जो प्राइस है 10,000 रुपये कम कर दी। और यकीन मानो दोस्तों, जो प्राइस रेंज अभी हुई है ना, इस प्राइस रेंज में आपको और कोई भी स्कूटर है इससे बेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं S1X प्लस की। इसमें जो है तीन मॉडल आते हैं, पहला आता है 2 किलोवाट बैटरी के साथ, दूसरा आता है 3 किलोवाट बैटरी के साथ, और चौथा जो आता है वो है 4 किलोवाट बैटरी के साथ। तीनों ही जो स्कूटर ऑलमोस्ट सेम कंडीशन में आते हैं, सेम कलर, सेम जो फीचर्स है इनमें, बस बैटरी पैक का जो है आप लोगों को तीनों ही जो स्कूटर है इनमें फ़र्क देखने को मिलेगा। बाकी कोई भी जो स्पेस वगैरह है और जो कलर टोन वगैरह है, चाहे फीचर्स को ले लो, कोई भी जो फ़र्क है आप लोगों को तीनों ही जो स्कूटर है इनमें देखने को नहीं मिलेगा। वेल सारी जो चीज़ें इस वीडियो में कवर करूंगा, इनकी जो नई प्राइस है वो भी बताऊंगा। तो उससे पहले आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि फ्यूचर में ऐसे ही बाइक और स्कूटर से जुड़े हुए जो वीडियोस है वो आप लोगों से मिस ना हो। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसका जो बेस मॉडल है उसका। पहले जो प्राइस थी 80,000 रुपये थी इसका जो बेस वेरियंट है उसका, 85,000 रुपीज़, और अभी जो प्राइस है वो 70,000 रुपये इसकी जो प्राइस है। ये एक्स शोरूम की प्राइस बता रहा हूँ, और इसमें आप लोग 10 से 12,000 रुपये RTO का जो भी चार्ज है ऑन रोड का, वो आप लोग आपके जो भी RTO है नियर बाई उसका जो प्राइस है अलग अलग रहता है हर जगह का, तो वो आप लोग ऐड करवा लेना। 10 से 12,000 ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो जो बेस वेरिएंट है वो है 2 किलोवाट बैटरी वाला, जो कि ये खड़ा आपके सामने, और ये है 3 किलोवाट बैटरी वाला, और वो वहाँ पे वो है 4 किलोवाट बैटरी वाला। तो ये तीनों ही जो मॉडल है हमारे सामने है, तो तीनों का मैं आप लोगों को कलर वगैरह सब दिखाऊंगा। सबसे पहले बात करें 2 किलोवाट बैटरी के साथ, इसमें आप लोग देख सकते हो LED हेडलैम्प आप लोगों को देखने को मिल जाता है, और जो DRL है वो भी LED देखने को मिलते हैं, टर्न ऑन इंडिकेटर है वो। नीचे जो है टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। बाकी इसकी जो क्वालिटी है ना फाइबर की, बहुत ही अच्छी है। टायर जो है आप लोगों को सेम ही देखने को मिलते हैं, 12 इंचस के जो 90x90mm के टायर है वो यहाँ पे आपको दिखा दूँ। ये देखिए 90x90mm के टायर है। बात करें इसकी स्टार्टिंग प्राइस की, 70,000 रुपये इसकी जो प्राइस है, और ऑन रोड की बात करें तो 80,000 रुपये ये ऑन रोड आप लोगों को देखने को मिलेगी राजस्थान में। अब बात करते हैं 70,000 में आप लोग इसको कैसे परचेज कर सकते हो। 10,000 जो सब्सिडी है वो आप लोगों को वापस मिलती है, 6 से 7 महीने लगते हैं लेकिन वो सब्सिडी जो है वापस आ जाती है। तो 70,000 रुपये में आप लोगों को ये जो स्कूटर है वो देखने को मिलता है। और अगर बात करें इसके रेंज की, तो इसकी जो रेंज है वो हमें देखने को मिलती है 95 किलोमीटर की। इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 85 किलोमीटर। इको मोड में आपको 95 किलोमीटर की जो है रेंज इस स्कूटर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अगर आप लोग इसको स्पोर्ट वगैरह में चलाओगे, नॉर्मल मोड वगैरह में, तो उसमें जो है आपको थोड़ी कम देखने को मिलेगी। अगर स्पोर्ट मोड की बात करें तो वही 60 से 65 किलोमीटर की रेंज जो है वो हमें देखने को मिलेगी। और 70,000 रुपये में ये सबसे बेस्ट स्कूटर है, मैं आपको बता दूँ, सबसे बेस्ट। इससे बेस्ट कोई भी स्कूटर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा जो स्कूटर है ये आता है 3 किलोवाट बैटरी के साथ, इसमें भी आप लोग देख सकते हो वही आप लोगों को सेम देखने को मिलता है, वही LED जो हेडलैम्प वगैरह है, वही इंडिकेटर DRL वगैरह देखने को मिलते हैं, वही सस्पेंशन, वही टायर वगैरह, यानी कि मॉडल्स में कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। बस बैटरी पैक है इनका, आप लोगों को फर्क देखने को मिलेगा। इसमें जो है आप लोगों को 3 किलोवाट की बैटरी देखने को मिलती है, और इसकी जो प्राइस है वो है 85,000 रुपीज़। यह है एक्स शोरूम प्राइस। और अगर ऑन रोड की बात करें तो 95,000 रुपये आप लोगों को ऑन रोड ये जो स्कूटर है वो देखने को मिलेगा, और इसमें भी आप लोगों को 10,000 रुपये सब्सिडी वापस मिलेगी। तो आप लोगों को ये 85,000 रुपीज़ में ये जो स्कूटर है वो देखने को मिलेगा। और बात करें इसकी रेंज की, तो 143 किलोमीटर इसमें जो है आप लोगों को सर्टिफाइड रेंज देखने को मिलती है इको मोड में। और अगर आप लोग स्पोर्ट मोड वगैरह में चलाओगे तो आप लोगों को 80 से 85 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलेगी स्पोर्ट मोड में। और जो नॉर्मल मोड है उसमें थोड़ी आप लोगों को 110 से 105 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलेगी। बाकी बात करें अगर इसके बैटरी वगैरह की, 3 किलोवाट की बैटरी है जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसकी प्राइस भी मैंने आपको बता दी है 85,000 रुपीज़ एक्स शोरूम है, 95,000 रुपीज़ ऑन रोड है, 10,000 रुपये आपको सब्सिडी वापस देखने को मिलती है। बूट स्पेस काफ़ी अच्छा, सिंपल सा लुक है, एकदम से कॉम्पैक्ट सा साइज है, मतलब हम लोग आराम से चला सकते हो। सीट की कुशनिंग की बात करें तो बहुत ही शानदार है, पीछे की जो ये ग्रैब रेल है ये भी बहुत ही शानदार है, पीछे LED देखने को मिल जाती है, यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम भी इसका अच्छा है, पीछे आप लोगों को जो पीछे वाले सस्पेंशन भी काफी अच्छे हैं, यहाँ पे आप लोगों को हब मोटर देखने को मिलती है जो कि वहाँ पे है, और वो भी काफी अच्छी है। यहाँ पे आप लोगों को स्कूटर में बैटरी देखने को मिल जाती है। बाकी कुछ ऐसे एक दो चीजें हैं जो लोग शिकायत कर रहे हैं यार अच्छी नहीं है, तो इनमें भी मैं आपको वो आगे कवर करूंगा। अब बात करते हैं इसका जो तीसरा, इसका जो बड़ा भाई है उसकी, तो इसका जो बड़ा भाई है वो यहाँ पे ये खड़ा, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लुक सेम है,
कोई भी आप लोगों को चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे इस स्कूटर में, और वही आप लोगों को LED जो हेडलैम्प वगैरह है, LED DRL वगैरह वो देखने को मिलेंगे। और इसकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो 1,00,000 रुपये आप लोगों को प्राइसिंग है इसकी एक्स शोरूम, और 1,10,000 रुपये ऑन रोड है। और इसकी अगर रेंज की बात करें, इसमें 4 किलोवाट की बैटरी आती है दोस्तों। अगर रेंज की बात करें तो इसकी जो रेंज है वो है 190 किलोमीटर की, 190 किलोमीटर की आप लोगों को इस स्कूटर में रेंज देखने को मिलती है, जो कि मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट है इस प्राइस रेंज में। और यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो स्कूटर है इसमें 10,000 की सब्सिडी वापस मिलती है। तो 1,00,000 रुपये में आप लोगों को 190 किलोमीटर की रेंज मिल रही है इको मोड में। वहीं अगर बात करें अगर जो इसका स्पोर्ट मोड वगैरह है इसमें, तो इसमें जो है आप लोगों को 135 से 140 किलोमीटर की जो रेंज है वो देखने को मिलेगी। इसका रेंज टेस्ट एक मेरा किया हुआ है, तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, वहाँ पे जाके आप लोग चेकआउट कर लेना। वो वीडियो मैं डाल रहा हूँ अबाउट सेक्शन में, और लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हो। बाकी 1,00,000 रुपये में ये जो स्कूटर है सबसे बेस्ट है। बूट स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है, 34 लीटर का बूट स्पेस है। यहाँ पे भी आप लोग हैंग कर सकते हो, कुछ सामान वगैरह है तो आपका वो भी यहाँ पे मोबाइल वगैरह डाल सकते हो। ये यहाँ पे जो चीज़ है वो वायर की है, और वहाँ यहीं पे आप लोगों को वही 12x12 के जो 90x90 के जो है 12 इंच के टायर देखने को मिल जाते हैं, जो कि ट्यूबलेस आते हैं। वही सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, वही ब्रेकिंग सिस्टम पीछे आगे कोम्बी वाला ब्रेकिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे जो हब मोटर है वो है। बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों बहुत अच्छी है। हमारे पास खुद के पास 3 जो स्कूटर है वो ये है। और एक चीज बताऊं, अभी जो है इनका जो है चाबी वाला वर्जन आ गया, तो सबसे बेस्ट स्कूटर है चाबी वाले को लेके। मैं आपको बताऊं, ये स्कूटर है चाबी लगाओ और सीधा लेके चले जाओ। पहले जो है यहाँ पे दिक्कत आ रही थी, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे जो हैंडल लॉक है तो यहाँ पे ये बहुत ही मुश्किल से होता था। अभी तो खैर ये खुला है, मैं दिखाऊँ आपको। तो पहले ऐसे पासवर्ड वगैरह लगाने पड़ते थे, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। पहले इसको प्रेस करो, ये देखिए, अब ये पासकोड लगाने के लिए हमें ये जो बटन है वो दबाने पड़ते हैं। देखिए, एक फिर आगे, इधर से आगे करो। तो ये बहुत बड़ा झंझट था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगा। और अभी जो है नया वाला मॉडल आ रहा है, इसमें जो है ये झंझट ख़त्म कर दिया कंपनी ने। वापस अगेन मैं एक हाथ से जो है इसको प्रेस किए जा रहा हूँ, और अब आप देखिए वापस अगेन एंड अगेन, ये हो गया पासवर्ड। और अभी ये जो स्कूटर है, अच्छा ये पासवर्ड मैंने गलत लगा दिया, तो ये इनकरेक्ट बता रहा है। खैर मीटर कंसोल जो है वही नॉर्मल सा देखने को मिलता है। यहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी आप लोगों को मिल जाती है, और जो नया वाला है चाबी वाला वर्जन है उसमें भी आप लोगों को मोबाइल कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। मैं कहूँगा दोस्तों ये जो स्कूटर है वन ऑफ द बेस्ट स्कूटर है इस प्राइस रेंज में। 1,00,000 रुपये में 190 किलोमीटर की रेंज मिल रही है, तो सबसे बेस्ट है। अगर आप लोग कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर आप लोग ऑफिस के लिए लेके जाते हो 40 से 50 किलोमीटर डेली जाते हो, मैं कहूँगा 110 से 120 किलोमीटर भी लेके जाते हो, तो सबसे बेस्ट जो स्कूटर है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये जो स्कूटर है वो आपको कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। इसकी जो मतलब लुक और डिज़ाइन है वो आपको कैसा लगा, ये पसंद है या एथर पसंद है, या फिर जो अपने एथर का नया रिश्ता आया है वो आप लोगों को पसंद है। खैर रिश्ता को तो हम लोग इससे कंपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो प्राइस है इससे ज़्यादा है, और रेंज जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों की। बाकी ये जो स्कूटर है एक नंबर लगा भाई मुझे। बाकी इसका और जो अपने एथर का नया स्कूटर है उनका भी कंपैरिजन वीडियो आप लोगों को 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा। और ये जो वीडियो है मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर इस वीडियो में मैं कुछ बताना भूल गया हूँ इन स्कूटर से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट में जाके पूछ सकते हो। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना।